नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा दुनिया की सबसे छोटी एंड्रॉयड ऐप के बारे में, यानी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एप्लीकेशन ऑन एंड्रॉयड। दोस्तों कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इसके लिए सॉरी दोस्तों। बट अब से आपको उसी टाइम बेस पर और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आपने प्ले स्टोर पर कई सारी एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी और उनका साइज़ आमतौर पर 5 MB, 10 MB या इससे ऊपर का होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसका साइज़ बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा पेरेग्रीन ब्राउज़र। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन आ गई ऊपर, इसे यहाँ पर आपको टैप करके डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों इसका साइज़ 1 MB से भी कम का है, इसका साइज़ है 72 KB। 1 MB में दोस्तों 1024 KB होती है, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, ये वर्ल्ड की सबसे छोटी एप्लीकेशन है, तो यहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों ये एक तरह का ब्राउज़र है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसकी साइज़ भले ही कम हो पर लेकिन ये साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो इसे यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ से इसे ओपन कर लीजिए। अब दोस्तों ओपन होती कुछ ऐसा इसमें आपको दिखेगा, जो भी सर्च करना है आपको यहाँ पर, आपको जो भी सर्च करना है वो सर्च कर सकते हैं यहाँ से आपको। दोस्तों बहुत ही कमाल की ये एप्लीकेशन है और दोस्तों ये बहुत ही फास्ट ब्राउज़र है, इसके साइज़ के हिसाब से बहुत ही फास्ट है और ये दुनिया की सबसे छोटी एप्लीकेशन है। तो दोस्तों इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या सीधे आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।